नूरपुर के पास मलकवाल ठेहर लिंक रोड पर चेली खुवाड़ा गांव में हो दर्दनाक हादसे को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। बच्चों के माता पिता आज भी उस जख्म को नहीं भूल पाए हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को याद कर आज भी उनकी आंखों में आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव वाले आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। आज दर्दनाक हादसे में स्कूल बस में मृतकों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गांव के विक्रम सिंह, करण सिंह, हंसराज, सीमा देवी, सिमरन ने बताया कि आज के दिन ही गांव के 24 बच्चे, एक ड्राइवर, दो अध्यापक और एक अन्य दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। बड़े ही अफसोस की बात है कि शासन हो या प्रशासन, या पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने भी खुलकर साथ नहीं दिया जिससे हमारे बच्चों को इंसाफ मिल सके। गांव के लोग मुख्यमंत्री, हर मंत्री से और जिलाधीश से मिले, यहां तक कि जिलाधीश के दफ्तर जाकर नाक तक रगड़ी कि हमारे बच्चों की सीबीआई जांच करवाई जाए जिससे हमें इंसाफ मिल सके और हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन आज दिन का ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष हो गया है, इस हादसे को सरकार डैमेज रिपोर्ट तक नहीं बना पाई है, इसमें सरकारी अधिकारी फंस रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके चलते ही पूरा गांव इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा, किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं डाला जाएगा। अगर राजनीतिक दल इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो कोई भी राजनीतिक दल इस गांव में वोट मांगने मत आना। अगर आप इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो आपको कोई भी हक नहीं है वोट मांगने का। तो एक साल हो गया तो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी रैलियाँ चुनाव के ऊपर निकालते हैं कि हमारा अपना प्रचार करते हैं, अगर उतनी रैलियाँ इस हादसे के ऊपर निकालते तो शायद कुछ हो जाता। अब ये वोट मांगने किस मुंह से आएंगे? अगर आएंगे तो अभी हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये इतनी रैलियाँ अपने प्रचार करने के लिए निकालते हैं, अगर इतनी रैलियाँ ये इसके ऊपर निकालते हैं, इनका कुछ करते तो शायद कुछ होता। ये अभी हमारे पेरेंट्स ने देखो कितना कुछ किया है, हमारे मतलब जो हमारे जितने इन्हें इतना कुछ किया, मतलब इन्होंने डीसी कहाँ कहाँ गए फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मतलब ये अब वोट मांगने किस मुँह से आएंगे? अगर आएंगे भी तो मतलब वोट का बहिष्कार कर देंगे, मतलब हम किसी को वोट देंगे नहीं। अब जैसे कि भैया ने बता ही दिया सब कि एक साल हो गया आज पूरा, हम जगह जगह गए, नाक तक रगड़ी, हमें हमारे बच्चों को कोई इंसाफ नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं सोचा किसी ने। सरकार से कोई मांग है? मांग तो यही है इंसाफ की, और क्या चाहिए हमें? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो आज मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आज इसी दिन हमारे 24 बच्चे और एक ड्राइवर और दो टीचर एक्सपायर हुए थे इसी जगह पे, और बड़े ही अफसोस की बात थी। और बात यह है कि अभी तक शासन हो या प्रशासन हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने भी ऐसा खुलकर साथ नहीं दिया कि हमारे बच्चों को जो इंसाफ मिल सके। किसी भी प्रकार का इन लोगों ने हमारे बच्चों को आज तक इंसाफ नहीं दिया। इधर जितने भी गरीब परिवार के थे, या क्या कारण हुआ जिसकी वजह से इनकी सपोर्ट नहीं की गई, मैं आज भी इसी बात को बार बार दोहराऊंगा कि हम इधर के हरेक मिनिस्टर से सीएम तक मिले हैं, डीसी साहब के ऑफिस में जाके नाक तक रगड़ा है कि हमारे बच्चों की सीबीआई जांच करवाई जाए जिससे कि हमें इंसाफ मिल सके और हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके। हम दोनों पार्टियों का विरोध करेंगे, क्योंकि ना पक्ष ने साथ दिया ना विपक्ष ने साथ दिया। आज ये लोग साथ देते तो आज हमारे बच्चों को इंसाफ मिल गया होता। चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का प्रॉपर बहिष्कार, ये तो हम पहले बता चुका है कि हम वोट नहीं डालेंगे इस बार। हो गया ये ना, हमारे बच्चों को गए हुए इसी जगह में बस एक्सीडेंट की वजह से ये ना बच्चे मरे थे, आज तक प्रशासन ने ये ना कुछ भी हम लोगों को नहीं दिखाया कि बस की प्रॉब्लम थी या स्कूल की प्रॉब्लम थी या किसकी थी। हमने बार बार ये ना टीवी न्यूज में, हर एक चैनल में ये ना रिपोर्टर को दिखा के ये ना पूरी रिपोर्टें दी हैं, पर आज तक हमको ये कारण पता नहीं चला कि आखिर बस डिगी क्या थी, क्या वजह थी उसकी, ये ना ड्राइवर की प्रॉब्लम थी या बस की प्रॉब्लम थी या बस पुरानी थी, ये ना आज तक हमें कोई भी किसी भी प्रशासन ने कोई भी हमको रिपोर्ट नहीं दिखाई। इसलिए हम लोगों ने हर जगह जाके प्रशासन से, पुलिस वालों से, धर्मशाला में जाके, शिमला तक सभी आ गए, ये ना हाथ जोड़े मिनती की, डीसी के ऑफिस में नाक रखते हुए भी गए, पर इन्होंने कोई भी हमें ये ना भरोसा ही दिलाया, खाली हम करेंगे करेंगे, पर किया कुछ भी नहीं। 2019 शुरू हो गया है, 9 अप्रैल 2018 को जो हादसा हुआ था, तो आज पूरा एक साल हो गया है, किसी शासन प्रशासन ने कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं किया है।
तो जो हमारे विक्रम भाई ने कहा है, हमारा एक ही बयान है सभी का, जितने भी हमारे साथी हैं, चुनाव का आविष्कार करेंगे आप? हाँ करेंगे हम।